देखिए, अब इस तरह से इतनी सारी बर्ड्स, इसमें एक पॉट में 4 फ्लावर्स हैं, उसमें एक पहले खिला था वो बंदर झुका गया है। ये देखिए, ये हो गई हैं। अभी इसमें बर्ड्स का कहीं निशान दिख नहीं रहा है मुझे, अगर आ रही है बर्ड्स। ये है, ये एक ये बर्ड्स आई है, बड़ी हो रही है, अभी छोटी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। देखिए दोस्तों, पिटूनिया में अब अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है, ये देखिए। और ये इस तरह से, ये देखिए रोज भी आ गया है। और ये मैंने रिपोर्ट कर दिए थे कल, ये देखिए। इनको हटा देना चाहिए जो भी, ये तो मैं रिपोर्टिंग के समय ऐसे पॉट को मैं ठोक दिया था तो निकल गए थे। ये देखिए इस तरह से। अब ये मैंने गार्डन जो सेटिंग की है उसके बाद मैंने और भी ये पॉट मैंने रख दिए हैं, जो मैंने रिपोर्ट किए थे वो रख दिए हैं, वही आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और ये फूल भी खिल गया है, कितना खूबसूरत शेड है इसका, ऑरेंजेस रेड सा है तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, और ये भी मैंने यहाँ पे अपने रनन पुलक मैंने यहाँ पे एक लाइन से रख दिए। देखिए मैंने रीअरेंज किया फिर से गार्डन, तो उसमें मुझे कितना स्पेस मिल गया है, ये आप देखिए कितना स्पेस मिल गया मुझे, कि मैंने वो वाले पॉट भी रख दिए और ये पॉट भी मैंने रखे, आराम से अच्छे से आ गए हैं इनमें भी इस तरह से। अब ये मेरा गार्डन हो गया है। और ये देखिए, आपको जरबेरा अपडेट देते हैं। ये मैं नहीं दे पाई जरबेरा अपडेट, मैंने जो खाद दी थी तो उसी का असर क्या हुआ है यही आपके साथ में हमें शेयर करना है आज। ये देखिए, ये इस तरह से ये पत्तियां हो, इनको पॉट में से हटा देना चाहिए इस तरह से, जो भी घास फूस आए उसको हटाते रहें तो हमारा पॉट क्लीन रहता है। जो हम खाद देते हैं वो हमारे प्लांट्स में ही लगती है, वरना ये जो घास होती है बहुत जल्दी खींच लेती है खाद को, और हमारे प्लांट्स को खाद नहीं मिल पाती है इसलिए। अब देखिए जरबेरा में ये दो बर्ड्स आई हुई हैं, फूल भी आ गए हैं मतलब। और ये देखिए तीसरी आ रही है, और ये एक आई है, ये दो फ्लावर्स के साथ, ये कली है एक, और एक ये है, एक ये आई हुई है, और एक ये अंदर, ये देखिए छोटी सी है। ये हम इसलिए आपको को दिखा रहे हैं अपडेट, कि मैंने जो खाद दी थी वो कितनी इफेक्टिव है। एक वो छोटी सी अभी निकलने को है, कितनी असरदार हुई है, कि खाद देना कितना फायदेमंद हुआ है। या ये देखिए छोटी सी है अभी, और एक ये निकल रही है, और ये जलबेरा मेरे बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं है। आपने देखा था मैंने सारे पत्ते हटा दिए थे, इनको बहुत हल्का मैंने कर दिया था, जितने भी उस टाइप के लीव थी जो ठंड में अजीब सी हो गई थी सारे हटा दिए थे। अब कितने अच्छे से हेल्दी हो गए हैं। तो ये हमारा जरबेरा खाद का अपडेट है जो हमने आपके साथ में शेयर किया है। तो अगर अभी भी आपके में फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख के वो खाद का यूज़ कर सकते हैं, कि मैंने इसमें क्या दिया था जो इतनी अच्छी फ्लावरिंग आ रही है। पिछले साल मेरे सिर्फ इसी पॉट में एक फ्लावर आता था, फिर बहुत दिनों बाद एक फिर आ जाता था, एक साथ इतनी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, क्योंकि पिछले साल मैंने ये वाली खाद इस तरह से नहीं दी थी। इस साल मैंने ये खाद दी तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है फ्लावरिंग, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, और अपने गार्डन में भी जरबेरा की खूबसूरत फ्लावर्स खिला सकते हैं। और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक ये फ्लावर्स रहते हैं, और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो चलिए वीडियो
दोस्तों यही आपके साथ में शेयर करना था यही वीडियो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और साथ हम साथ बनाए रखिए, और मैं भी कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी वीडियो लाने का जो आपके लिए यूज़फुल हो। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगी दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, हमारा वीडियो हम देखते हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।